हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जितने भी आप लोग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आप लोग को यहां पर लेकर आया हूं। तो चलिए, मैं आप लोग को डेली इस तरह के आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा और इससे आपको 100% है कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को आने के चांसेज 100% बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो आप लोग का 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वह भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का सर्वोच्च न्यायिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायिक पुरस्कार जो है आपका भारत रत्न है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो आपको गोवा को पुर्तगालियों से 1964 ईस्वी को आज़ाद करवाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? ये समान तो आपका अक्षांश रेखा के समांतर है। भारतीय स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का नाम उपनाम क्या है? तो भारतीय स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का जो उपनाम है वह जंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त हुआ था? तो गोवा जो पुर्तगालियों के कब्जों से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को मुक्त हुआ था। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान फर्स्ट जो आपका 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ईग टेस्ट शरीर के किस भाग का होता है? तो ईग टेस्ट जो होता है ईईजी टेस्ट शरीर के किस भाग का होता है? तो ईईजी टेस्ट जो होता है वह मस्तिष्क का होता है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। SIDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SIDBI का जो फुल फॉर्म का होता है वह होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ आपका दिसंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब प्रवेश किया था? तो मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2018 ईस्वी को प्रवेश किया था। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो मुगल शासक थे वह बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह फतेहपुर सिकरी आगरा में है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की कौन सी क्षेत्र में स्थित है? तो हिमालय में काराकोरम रेंज के पूर्व में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो महाकालेश्वर मंदिर जो आपका है वह उज्जैन मध्य प्रदेश में है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत का जो भारत चीन युद्ध जो आपका 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान को दिया गया है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है? तो अर्जेंटीना जो वो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है। तो अगर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कौन सा रोग पानी से नहीं होता है? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, प्लेग रोग जो है वो पानी से नहीं होता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI की स्थापना कब हुई थी? तो AWBI की स्थापना 1962 ईस्वी को हुई थी। गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है जहाँ पर 2018 कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुए थे? तो गोल्ड कोस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? तो फास्फोरस की जो परमाणुकता होती है P4। अमेरिकी देश और यूरोपियन देशों का कौन सा सैन्य गठबंधन है? तो आपका नाटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुहू बीच के सागर किनारे स्थित है या कहाँ पर स्थित है? यह अरब सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है? तो लिनक्स यूनिक्स और विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है। ICANN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स आपका ICANN का फुल फॉर्म होता है। किस देश में फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो आपका म्यांमार में जो फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ है।
एएसआई ने 2019 में सारनाथ स्थित किस पुरातत्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो आपका धामेक स्तूप को रखने का प्रस्ताव रखा गया। विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए 2015 में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? तो आपका हृदय योजना लॉन्च की गई थी। सो गाइस, आप लोग के आज इतना ही क्वेश्चन मैं आप लोग लेकर आ रहा हूँ। इसमें से आप लोग को 100% चांसेस हैं कि आपके आने वाले शिफ्टों में आप लोग यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा, और आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।